मंगलवार को मथुरा के आबकारी विभाग ने तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही एक टाटा 407 सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक अनंत कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ये शराब यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते हरियाणा से आगरा की तरफ ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर मथुरा की आबकारी टीम द्वारा दिल्ली नंबर की इस टाटा 407 को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने इसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन आबकारी टीम के बिछाए जाल से नहीं निकल सकी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से अंग्रेजी शराब और बियर की करीब 200 पेटियां बरामद की गई हैं। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि इन शराब तस्करों ने गाड़ी के अंदर गोपनीय चैम्बर बनाए हुए हैं जिनमें शराब छुपाई हुई थी। पकड़े गए 6 अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से शराब की तस्करी में लिप्त हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह ने बताया कि पकड़ी गई शराब की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए है। ये एक्सप्रेसवे पर दौड़ाकर इन्होंने पकड़ी है। देखने में गाड़ी खाली थी और इन्होंने हाथ दिया तो इसने रोका नहीं, ड्राइवर ने हाथ हिला दिया, गाड़ी खाली है। लेकिन इन लोगों के पास मुखबिरी थी तो इन्होंने इसका पीछा करके इसको रोका और इसमें स्कीम बनी हुई थी। जो एक तो ड्राइवर केबिन के बैक साइड में भी स्कीम थी और नीचे फर्श में भी एक स्कीम थी, तो दोनों स्कीम में इन्होंने शराब को और बियर को छुपा के रखा गया था। तो सर लगभग कितनी शराब पकड़ी गई? लगभग 200 पेटी के करीब हैं और इनकी कीमत अगर लगाई जाए तो 10-12 लाख करीब होती है। माननीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी महोदय के नेतृत्व में आबकारी टीम लगातार सघन जांच अभियान कर रही है। मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा राज्य से शराब एक्सप्रेसवे होकर के रायाकट पे उतरने वाली है जो कि मथुरा की तरफ आएगी। इसी सूचना पर विश्वास करते हुए हम लोगों ने जाकर के रायाकट पे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और उसको जब जाँच किया गया तो उसमें शराब की पेटियाँ रखी हुई दिखाई दी। कितनी पेटी थी इसमें? अंग्रेजी शराब और बियर की मिलाकर के कुल 200 पेटी के लगभग है शराब जो हरियाणा राज्य में निर्मित है और उत्तर प्रदेश में बिक्री है तो अनुमन नहीं है। कितने लोग लिप्त हैं इसमें? इसमें चालक समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो सारे लोग इसी काम में लगे हुए थे और हरियाणा से शराब ला करके बेच करके मुनाफा आपस में बांट करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले लोग बिहार के हैं।